हेलो, करें स्टार्ट। ओके शर्विन जी, सबसे पहले 3AM थॉट्स जो बुक है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस। ये मेरा सौभाग्य है कि एक अद्भुत बुक लॉन्च इवेंट के लिए मुझको बुलाया गया, और बुक की जो ऑथर हैं और वो मात्र 18 वर्ष की हैं, और ये जानकर और भी खुशी हुई कि एक छोटी सी लड़की ने इस किताब के बारे में सोचा। और आप जब इंडेक्स पेज देखेंगे आपको समझ में आएगा कि उसकी सोच कितनी अद्भुत है। गहरी गहरी बातें उसने लिखी है, जैसे वेयर एम आई गोइंग विद माई लाइफ, इस तरह का सवाल अपने आप में ये दर्शाता है कि ये लड़की रिया आसमानी ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है आने वाले सालों में इस दुनिया में। आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या वो बच्चे जो अभी अभी जवान हो रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ना है। पर ये बंदी बड़ी सोची हुई है, इसे पता है कि क्या करना है, किस तरह के सवाल खड़े करने हैं। और मैंने पूछा कि अब वो क्या करने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि वो विदेश जाने वाली हैं हायर स्टडीज के लिए। तो समझ में आता है कि बच्ची की परवरिश किस तरह से हुई है, क्योंकि माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी परवरिश में। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चे को प्रिया जैसे माँ बाप मिले, ताकि वो जो चाहे कर सके ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अगर आपको किसी बच्चे को सबसे खूबसूरत तोहफा देना हो तो उसे अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से बढ़कर कोई तोहफा नहीं दे सकता है। शर्विन जी, इसके अलावा 3AM थॉट्स की बात हो रही है, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके फैंस जानना चाहते हैं जो शर्विन 3 बजे सोचती है रात। देखिए 3AM इज़ अ फिगरेटिव स्पीच, मतलब आमतौर पर हम 3 बजे के आसपास गहरी सोच में चले जाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मायूस करती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। मेरे लिए मायूस होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम रब के बच्चे हैं। और रब कैसे होते हैं, रब के पास क्या किसी चीज़ की कोई कमी होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी सोच को क्यों छोटी करें, और हम क्यों छोटी बातों के बारे में सोचें? मैं तो ये सोचना पसंद करती हूँ कि मैं किन के साथ काम कर सकती हूँ या किन के साथ काम करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये सपना देखा कि मैं एकता कपूर जी के साथ काम करूँ, और मेरा वो सपना साकार हुआ। मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत OTT प्लेटफॉर्म पर, जो एकता कपूर जी का है। तो मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ, जो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। और सपना सिर्फ एक नहीं देखा, अनेक देखे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि वो अनेक सपने एक एक करके साकार होते रहें, और मैं एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनूँ एकता कपूर जी की तरह, और बहुत कुछ करूँ मैं इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए। तो मेरे 3AM थॉट्स यही होते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ और किस दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ। शर्विन जी, इसके अलावा जो बुक के अंदर डिप्रेशन के बारे में बात की गई है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई है, तो कोविड के बाद बहुत सारा जो यूथ है डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत सारे लोग सुसाइडल थॉट्स के बारे में सोचते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कनेक्ट करेगी ये बुक, क्योंकि प्रिया खुद एक यूथ है। जी देखिए, डिप्रेशन हम सबको होता है, और
मुझको तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था क्योंकि 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि मैं सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ और कहा था कि मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, डायलिसिस या नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरी फैमिली को मुझसे उतनी मोहब्बत तो है नहीं कि वो मुझको किडनी डोनेट कर देंगे, और रही बात डायलिसिस की तो वो मुझे मगजमारी चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ गले में एक छेद करके एक ट्यूब को पास करते हैं जो किडनी का काम करता है। तो मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप प्लीज़ जैसे तैसे कुछ भी करके मेरी किडनीज को ठीक कर दीजिए। तो मैंने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, वो केवल दवा दे सकते हैं और दुआ करना मेरा काम है। तो मैंने दुआ करना शुरू किया। मैंने हक से ईश्वर से ये कहा कि देखिए, मेरी जगह अभी तक ख़त्म नहीं हुई इस धरती पर, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत सारी फिल्में करनी हैं, बहुत सारे अवार्ड जीतने हैं और खुद को और सेहतमंद बनाना है और खूबसूरत लगना है और कई सारे रिश्ते मुझे बनाने हैं, माँ बनना है, मुझे ममता का अनुभव लेना है। तो आप ऐसे कैसे मुझे इतनी जल्दी बुला सकते हैं अपने पास, नहीं ये गलत है। तो ज़िद करके, लड़ झगड़ कर, मौत के मुँह से बाहर निकल कर मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ और मुझे पता है कि डिप्रेशन क्या क्या होता है और ये जो मायूसियत हम कहते हैं ये किस तरह धीरे 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 हमारी ज़िंदगी पर हावी होने लगती है। तो मैं इस देश की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, अगर आपको लगता है कि अब क्या रखा है ज़िंदगी में, तो आपको बता दूँ कि बहुत कुछ रखा है ज़िंदगी में। आप किसी से बात करें, शेयर कीजिए अपने फीलिंग्स को और बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो हमारा दिल हल्का होने लगता है। तो किसी को भी आप कॉल कीजिए, अपने दोस्त को, अपने परिवार वालों को, किसी डॉक्टर को आप कॉल करें, आप बात करें, जो भी दिल में है उसे बाहर निकालिए। अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने का कोई मज़ा नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ बात कीजिए क्योंकि बात करने से हल निकलते हैं, हर समस्या का हल निकल सकता है। सलीम जी, लास्टली एक गाना बहुत वायरल हुआ है कवाला करके, तमन्ना भाटिया, कुछ कहना चाहेंगे? देखा आपने गाना? सर्वोत्तम, सुपर हॉट। कैसी लग रही है तमन्ना उसमें, अगर बारे में कुछ बताएं? तमन्ना जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो बड़ा की खूबसूरत हैं और मैं चाहूँगी कि उनके साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की इस गाने में, नुकावा लिया। ये तेलुगु भाषा है ना, तमिल एंड तेलुगु, और तेलुगु मुझे आती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ये गाना गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू शर्मा जी।